नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आर एन टेक्निकल चैनल। तो आज नया कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा, हम अपने YouTube के लिए डेली वाइज जो आप वीडियो अपलोड करते हैं उसके लिए टॉपिक कहाँ से ले, ठीक है। ट्रेंडिंग टॉपिक जो अपने वीडियो के लिए कहाँ से ले, बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाता है और हमको डेली वीडियो अपलोड करना होता है, वो भी बढ़िया सा कॉन्टेंट वाला, ठीक है, जो वायरल हो, जल्दी लोग पसंद करें वीडियो को, वीडियो का कंटेंट पसंद करें। लेकिन उसको हम कैसे सर्च करें, कैसे डेली के डेली एक नए टॉपिक पर वीडियो कैसे बनाएं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। आप जब वीडियो वगैरह देखते हो तो मैं कौन सा ऐसा वीडियो डालूँ जो आप लोगों को पसंद आए, वायरल, ठीक है, व्यूज आए उसमें और सब्सक्राइब वगैरह मिले आपको। तो इस तरह का वीडियो हम बनाने के लिए बहुत सोचते हैं, बहुत ढूंढते हैं, बहुत दिमाग में बहुत इतना ज्यादा प्रेशर डाल देंगे कि हम डेली वाइज ऐसे तरीके के वीडियो कैसे लाए। आज मैं इसी टॉपिक पे ये वीडियो बनाया हूं जो आपको मदद करेगा आपके डेली वाइज वीडियो अपलोड करने में। दो तीन ऐसे ऑप्शन है जिससे आप आसानी से अपने वीडियो के लिए टॉपिक वगैरह ढूंढ सकते हो और वो भी ट्रेंडिंग वाला बढ़िया सा, और आपको वहां पर वो भी पता चल जाएगा कि कौन सा वीडियो, ठीक है, दो तीन दिन के अंदर में वायरल हो रखा है तो लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उस तरीके का वीडियो आप बना सकते हो डेली वाइज, ठीक है। तो देखे कैसे, उसके लिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन में ले जाऊंगा और वहां पे जाके मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे YouTube के लिए डेली जो वीडियो अपलोड करना है वो कैसे ढूंढे, ठीक है, बहुत आसान है। तो उसके लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं आपको वहां पे बताता हूं कैसे करना है। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके का कॉन्टेंट मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, रेडियो लेट्स गो। दोस्तों फाइनली हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पे देखिए आपको ढूंढना कैसे, आपको बहुत इजी है, इतना आपको सिर दर्द लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपना टॉपिक डेली वाइज टॉपिक अपने YouTube के लिए निकाल सकते हो। कैसे, सबसे पहले तो मैं आपको VidIQ का एक ऑप्शनल दूंगा, ठीक है। VidIQ में आपको डेली वाइज आपको 3 आइडियाज मिल जाता है शॉर्ट्स वीडियो बनाने का, ठीक है, उसी से आप लॉन्ग वीडियो भी बना सकते हो, लॉन्ग वीडियो का भी मिल जाता है। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे, ये देखिए एक मैंने ऑलरेडी, दो मैंने कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अब ये तीसरा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ देखिए आपको सेव का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप सेव करके रख सकते हो, बाद में इस पर वीडियो बना सकते हो आप अपना, ठीक है, ये शॉर्ट्स के लिए है। इस तरीके का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, जैसे यहाँ लिखा है, देखिए फैक्टर कैसे निकाले, हाउ टू आंसर फैक्टर ऑफ 18, ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए आप बड़े के लिए बना सकते हो। आप इसे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, ये सेव हो जाता है। आप डेली आइडियाज आप नीचे याद देख रहे हो, मैं इस पर क्लिक किया और ऊपर में आप देख सकते हो डेली आइडियाज सेकंड पे सेव आइडिया, मैंने सेव कर रखा है बहुत सारे आइडिया यहाँ पे, देखिए ये आप बना सकते हो, न्यू स्टाइल लोगो एडिटिंग इन पिक्सल लैब, ये इस तरीके का आप बना सकते हो। शॉर्ट्स पे दे रखा है, लॉन्ग पे दे रखा है, आप देखिए बहुत सारा आपको यहाँ पे आइडियाज वगैरह मिल जाते हैं अपनी डेली वाइज वीडियो पे बनाने के लिए। अगर आप VidIQ से, आप अगर VidIQ का जो सजेशन वीडियो बनाते हो तो वहाँ से आपको व्यूज वगैरह बहुत अच्छा मिलने का चांसेस 80% या 90% बढ़ जाता है, ठीक है। VidIQ से अगर आपको सजेशन देता है डेली वाइज इस तरीके का वीडियो बनाइए तो डेफिनेटली आपका व्यूज आने वाला है, ठीक है। ये तो हो गया एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हो गया आपको कि आप अगर खुद ही वीडियो बनाते हो, ठीक है, आपको पता है कि हाँ ये वीडियो चलेगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो हाँ आप वो वीडियो बनाइए। लेकिन क्या होता है ना कि हम अगर खुद ही सोच के अपने वीडियो बना के डाल देते हैं लोग डेली की डेली, तो क्या होता है ना, लोग कुछ और वीडियो देख रहे होते हैं और हम कुछ और वीडियो बना के डाल देते हैं, ठीक है, थीके? उससे क्या होता है, हमारा वीडियो रन नहीं करेगा, और जैसे रन नहीं करेगा तो हमारा वीडियो पे, ठीक है, फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज होने से हमारा व्यूज़ नहीं आएगा, सब्सक्राइब नहीं आएंगे। तो बेहतर होगा कि हमें, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि VidIQ से आप सजेशन लेके बनाइए तो वो बेहतर होगा। और जैसे मैं YouTube ओपन कर लाता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये मेरा YouTube ओपन हो गया, क्या करता हूँ यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, कोई सा भी वीडियो मेरे को सर्च करना है, जैसे जो ट्रेंडिंग पे चलता हुआ, जैसे शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करें, थंबनेल कैसे बनाएं, कोई सा भी वीडियो जैसे आपको लगे कि मेरे को ये वीडियो बनाना है, तो उस रिलेटेड वीडियो से आपको यहाँ पे कीवर्ड सर्च करना है, ठीक है। जैसे मैं सर्च करता हूँ, जैसे आपको सपोज मेरा यहाँ पे कुछ लिख रखा होगा, ठीक है, ठीक है, तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, यह फोटो एडिटिंग इन मोबाइल, ठीक है, मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने ये सर्च कर रखा था, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सर्च होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ 3 डॉट लाइन का जो बटन देख रहे हो इसे क्लिक करना है और सर्च फिल्टर पर जाना है, ठीक है। सर्च फिल्टर पर जैसे जाएंगे हम और यहाँ पे एनी टाइम का जो ऑप्शन आता है इसे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे मिल जाएगा आपको एनी टाइम, लास्ट आवर्स, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, ठीक है। हमको दिस मंथ तक नहीं जाएंगे क्योंकि मंथ तक बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, तो हम दिस वीक का अंदर जा सकते हैं, टुडे का अंदर जा सकते हैं, आवर के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, थीके? लेकिन हम टुडे और वीक के अंदर ही देखेंगे क्योंकि इन दिनों में कौन सा वीडियो वायरल हो रखा है तो हमें आराम से पता चल जाएगा और हमें वहाँ से टॉपिक लेने का एक रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं टुडे का आप पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए कौन सा वीडियो चल रहा है, ठीक है, ये देखिए 1.8K वीडियो है,
चार घंटे पहले अपलोड किया ये बंदे ने, ठीक है, आपको 1.8K वीडियो यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने लिए टॉपिक ढूंढ सकते हो आसानी से यूट्यूब में, जितने लोगों ने वीडियो अपलोड कर रखा है तो उन लोगों का वीडियो कितना रन कर रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, तो उस तरीके का वीडियो बना के डालिए, आपका भी जो वीडियो है वो भी आपका उस जगह पे चला जाएगा जहाँ पे लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी वीडियो को भी लोग देखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कंटेंट अच्छा बनाना पड़ेगा, अच्छा सा आपको एक टॉपिक बनाना पड़ेगा जिसमें अच्छा कंटेंट हो, ठीक है, आप अपने व्यूअर्स को अच्छा से समझा सके, तो उस तरीके का वीडियो बनाइए, तो डेफिनेटली आपके लोग भी वीडियो देखेंगे और सीखेंगे कुछ उससे, ठीक है, और सब्सक्राइब करेंगे, व्यूज भी बढ़ेगा। तो ये होता है हिसाब किताब कि आप अपने डेली वाइज टॉपिक कहाँ से ले, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इसी तरीके से क्या होता है ना, आप अपने लिए टॉपिक ढूंढ सकते हो बहुत आसानी से। मैंने एक तो आपको वीडियो का बता दिया जहाँ पे आपको डेली वाइज तीन टॉपिक मिलता है अपने वीडियो बनाने का, जो आपका टेंशन ही फ्री कर देता है, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो वही मानता हूँ मैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कौन सा वीडियो बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्या टॉपिक में बनाऊँ, तो वहाँ पर आपको आराम से मिल जाता है। वहाँ से आप शॉर्ट्स वीडियो भी बना सकते हो और लॉन्ग वीडियो भी बना सकते हो, जो कि आपका वो डेफिनेटली सर्च लिस्ट में जाएगा, ठीक है। दूसरा, आप ये यूट्यूब से बना सकते हो, ठीक है, यूट्यूब से सर्च करके भी आप बना सकते हो कि हफ्ते के भीतर या दो चार दिन के भीतर में कौन सा वीडियो ज्यादा चल रहा है, कौन सा टॉपिक पे वीडियो ज्यादा चल रहा है, तो उसी तरीके का वीडियो भी आप बना सकते हो। उस तरीके का वीडियो बनाओगे तो डेफिनेटली सर्च में जाएगा। तो ये होता है दोस्तों डेली वाइज टॉपिक हमें ढूंढने के लिए, ठीक है। तो अगर जैसे जैसे आप वीडियो बनाते चले जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको ना क्या है कि टॉपिक मिलते चला जाएगा, कि आप खुद ब खुद आपको मिल जाएगा कि टॉपिक, हाँ आज मेरे को इस पे बनाना है, आज इस पे बनाना है, आज इस पे बनाना है। तो आप एक उसका एक नोटपैड बना लीजिए, तो मैंने कल ये वीडियो बनाया था, आज मेरे को ये बनाना है, तो आप ऑलरेडी आपके दिमाग में जब आता है तो उसे लिख लीजिए, ठीक है, ताकि दूसरे दिन के लिए आपको एक वीडियो और मिल जाए बनाने के लिए। तो एक नोटपैड बना सकते हो, नोटपैड पे आप डेली वाइज आप लिख सकते हो, मैंने आज ये वीडियो बनाया तो इससे रिलेटेड दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने टॉपिक सर्च कीजिए डेली वाइज वीडियो बनाने का, और अपनी वीडियो बनाइए बढ़िया सा अच्छा सा कंटेंट डालकर, ठीक है दोस्तों। अच्छा, आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरीके का रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, हैव अ गुड डे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम जो डेली वाइज हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं कैसे करते हैं और कहां से टॉपिक ले, ठीक है। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहां कहां से हमें टॉपिक मिलेगा, ठीक है, दो तीन ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरीके से अपने वीडियो को सर्च कीजिए, ठीक है, अपना टॉपिक सर्च कीजिए, कौन सा वायरल चल रहा है वीडियो अभी, उसी तरीके का वीडियो भी आप थोड़ा हटके बनाइए और थोड़ा अच्छा वाला कंटेंट रखिए, अच्छा सा वीडियो बनाइए, लोगों को भी अच्छा लगे आपका वीडियो देख के और वो लोग भी कुछ सीख सके आपके वीडियो से। जितना लोग आपके वीडियो को पसंद करेंगे उतना ज़्यादा लोग आपके वीडियो देखेंगे, और साथ में आपका सब्सक्राइब भी बढ़ेगा और व्यूज़ भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने टॉपिक ढूंढिए और अपने वीडियो बनाइए डेली वाइज नया नया, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और हो सके तो कमेंट्स बॉक्स में जाके प्यारा सा कमेंट्स वगैरह कीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कुछ प्यारा सा अच्छा सा टॉपिक लेके, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, हैव अ गुड डे।